आज हम बात करेंगे जो विमेन और जेंडर रिलेशंस थे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में, उसके ऊपर इसके बारे में कुछ बातें हमने कुछ दिन पहले की थी, 2 3 दिन पहले, जिसमें हमने बात की थी एक तो ए एस सलतेकर की, दूसरी हमने बात की ताराबाई शिंदे की, जिन्होंने कंपैरिजन बिटवीन वुमेन एंड मेन में बात रखी थी अपनी। इसके बाद फिर हमने मनु के बारे में बात की थी कि मनु भी कुछ महिलाओं की लगभग अच्छाई तो नहीं है, बुराई है एक तरह से, जिसमें वो बात करता है कि उनको एक तरह से महिलाओं का जो कहते हैं ना कि माया रूप, उसके बारे में वो बात करता है, मगर वो हर महिला के ऊपर लागू नहीं होता है। खासकर जब हम बात महिलाओं की करते हैं तो एक आम महिला की बात करते हैं तो वहां पर वो फिट नहीं बैठता है। दूसरा फिर हम आगे बात करते हैं आज इसामी की, जो 14वीं सदी के एक समकालिक साहित्यकार थे। उन्होंने अपनी किताब लिखी थी फुतु उस सलातीन, जिसमें वो कहते हैं कि हमेशा से सही वही एक औरत सही मानी गई है जो घर में रहकर चरखा काटती है, जिसके दुखों का साथी कपास रहा है, जिसको उसका नशा है और डक की आवाज उसके गीतों का संगीत है। ये एक तरह से उस कामकाजी महिला के बारे में बात की गई है जो अपना घर पे रहकर काम करती है। एक तरह से जो इसामी है वो समाज के उन महिलाओं की बात करता है जिनके बारे में हम कह सकते हैं कि भाई जो अपना ठीक तरीके से काम कर रही है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि एक प्रकार से जब महिलाओं की बात की जाती है तो इसमें वो उस वर्ग की महिलाओं को दूर रख रहा है जो घर से बाहर जाते हैं। तो ये भी एक तरह से कोई और किसी कार्य से इधर उधर जाना तो उसकी बात जो की जाती है वहां पर ये हमें थोड़ा सा